दिस इज 2.2 लीटर कार विद 200 bhp ऑफ पावर। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं मयंक, एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज एक और नया सरप्राइज़ आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। जी हां, आज मैं एक और नई प्री ओन्ड कार लेके आया हूं, और वो प्री ओन्ड कार, जी हां, वो प्री ओन्ड कार बहुत कम चली हुई, बहुत अच्छे बजट में आपको मिल रही है। वो प्री ओन्ड कार है ये, या आप देख सकते हैं मेरे सामने खड़ी है इस समय मर्सिडीज़ की ई क्लास। ये है मर्सिडीज़ की ई क्लास, दिस इज़ 2015 मॉडल। जी हाँ, दिस 2015 मॉडल है, और चली है सिर्फ और सिर्फ 23,400 किलोमीटर। 23,400 किलोमीटर 2015 के हिसाब से 5 साल हो गए हैं, कुछ भी नहीं होता। और इसका प्राइस भी बहुत रिजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगी गाड़ी। प्राइस जानने के लिए बिल्कुल वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को फॉरवर्ड बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप इस गाड़ी के पहले सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करिए कि यार कितनी बेहतरीन, कितनी ब्यूटीफुल यार ये गाड़ी है देखने में। इसके सिनेमैटिक शॉट्स यार आप देखिए एक बार। अपने एंजॉय कर रहे हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ इस गाड़ी की, थोड़ी आपको फ्रंट डिटेल देना कि ये गाड़ी फ्रंट से कैसी लगती है देखने में, और प्लस इस गाड़ी में फ्रंट में हमको क्या क्या फीचर देखने को मिल जाते हैं। वीडियो में अभी भी कह रहा हूँ दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, पता नहीं कौन सा सीन आप लोग मिस कर दें, क्या क्या फीचर आप लोग मिस कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप जैसे देख सकते हैं ये गाड़ी की बहुत ही यार सुंदर मेरे को गाड़ी की यहाँ पे मेरे को हेडलाइट दे रखी है। हेडलाइट में मेरे को बहुत ही यार प्यारे एक DRL सिस्टम दे रखा है, ये मैं आपको अभी जला के भी दिखाऊंगा, बहुत सुंदर लगता है देखने में। साथ ही मेरे को LED इंडिकेटर दे रखे हैं, और यहाँ पे LED इंटेलिजेंट लाइट, इस गाड़ी के अंदर LED इंटेलिजेंट लाइट्स आती हैं देखने में। यहाँ मेरे को नीचे गाड़ी के मेरा फ्रंट पार्किंग सेंसर, नीचे एक बहुत ही ग्रिल पे मेरे को एक बहुत ही सुंदर से दिख रही है क्रोम की यहाँ पे लाइनिंग दिख रही है, मिल रही है देखने को, जो बहुत ही यार सुंदर फील दे रही है। और सबसे बढ़िया यार यहाँ पर देखो यार गाड़ी की एक बार ग्रिल देख लो आप लोग, क्या इस गाड़ी की क्रोम फिनिश ग्रिल है, और बीच में यार हो ये 3-स्टार लोगो, क्या बात है यार, क्या लग रहा है इस गाड़ी में देखने में, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन लुक आ रही है। एक बार थोड़ा दूर से आप इस गाड़ी की लुक देखो यार, क्या अल्टीमेट यार इस गाड़ी की लुक आ रही है, जैसे कि देख सकते हो यार आप लोग, लग रही है ना यार बेहतरीन लुक इस गाड़ी की देखने में, बहुत फैंटास्टिक, बहुत अल्टीमेट है यार इसकी लुक। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ हमको दे रखे हैं DRLs, आप देख सकते हैं बहुत ही एलिगेंट इसके DRL देख रहे हैं। यहाँ मेरे को बहुत ही सुंदर सी टर्न इंडिकेटर दे रखे हैं, एंड दीज आर इंटेलिजेंट LED लाइट्स। गाड़ी की यार लाइट ऑन होकर भी देख लीजिए क्या लग रही है यार इस लाइट के अंदर, इस गाड़ी की लुक यार बहुत बढ़िया लाइटिंग की लुक लग रही है। तो चलिए दोस्तों एक बार आपको मैं गाड़ी की साइड लुक भी दिखा देता हूँ, साइड से गाड़ी कितनी यार बेहतरीन लग रही है, कितनी सुंदर ये गाड़ी साइड से हमको देखने को मिलती है। सबसे बड़ी चीज़, प्लस चीज़ यार इस गाड़ी का कलर, इस गाड़ी का कलर देखिए यार कितना सुंदर इस गाड़ी का कलर है यार, बहुत अल्टीमेट ये लुक दे रही है। एक बार मैं चाहूँगा आप इस गाड़ी को वाइड एंगल से भी देख लीजिए, ज़रा वाइड एंगल से देखिए कितनी यार सुंदर और कितनी बेहतरीन लुक दे रही है गाड़ी, बहुत साफ सुंदर वेल मेंटेन ये कार है। अभी इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखी है, चलिए मैं दिखाता हूँ इस गाड़ी की साइड डिटेल, की साइड डिटेल से गाड़ी देखने में कैसी लगती है। आइए मेरे साथ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी के अलावा दिस इज स्टॉक अलॉयज, पूरी कंपनी के स्टॉक अलॉय हैं। बीच में हमको मर्सिडीज़ की बैजिंग देखने को मिल जाती है, दीज आर R17 17 इंची के यहाँ पे अलॉय व्हील हमको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ आते हैं हम, ये हमारे को गाड़ी के दे रखे हैं और VM, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर है प्रॉपर इंडिकेटर्स गाड़ी के यहाँ पे बिल्ट है इस गाड़ी के अंदर। सबसे बेहतरीन चीज़ यार मैं आपको दिखाऊँ इस गाड़ी की, ये आप देख रह सकते हैं गाड़ी की ये साइड लाइन, क्या साइड लाइन यार इस गाड़ी की दोस्तों आ रही है, आप देख सकते हैं पूरी पीछे तक यहाँ तक जा रही है, बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही गजब के लुक गाड़ी की दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यार कितनी अल्टीमेट यार कितनी ब्यूटीफुल लुक ये बैक से दे रही है, देख सकते हैं यार क्या लग रही है यार इस गाड़ी की लुक। थोड़ा सा अब इस गाड़ी को आप वाइड करके दिखा दो बैक से, यार बैक से देखो थोड़ा सा अगर वाइड करके देखते हैं गाड़ी कितनी सुंदर लुक दे रही है। बीच में आप देख सकते हैं यार तुम्हारे भाई का ब्रांड है और तुम्हारे भाई का चैनल है मयंक पंजाबी, इसको जरूर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो आपको पसंद आती है तो जरूर लाइक जरूर करके जाना यार। मैं देखता हूँ कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करके जाइएगा वीडियो को, तो बहुत मोटिवेशन मिल। जैसे कि दोस्तों आपने इसका पीछे का बैक प्रोफाइल देखा, अब मैं आपको थोड़ी सी इस बैक प्रोफाइल की डिटेल दे देता हूँ कि हमको गाड़ी के अंदर पीछे क्या क्या देखने को मिल जाता है।
जैसे कि आप लोग देख रहे हैं प्रॉपर ये बैक एलईडी लाइट दे रखी है गाड़ी की, ये फुली एलईडी लाइट्स है इसके अंदर। ये मेरे को गाड़ी के इंडिकेटर दे रखे हैं, यहाँ मेरे को गाड़ी का बैक आपको देखने को बैक लाइट मिल जाती है, नीचे आपको देखने को मिल जाते हैं पार्किंग असिस्टेंट आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ आपको गाड़ी की टोइंग हुक आपको देखने को मिल जाता है। एक बहुत यार सुंदर सी एक बीच में आप ट्रिम लाइन आप मेरे को क्रोम की जा रही है जो बहुत यार सुंदर देखने को मिल रही है। और सबसे अच्छी सबसे क्लास चीज़ आप देख सकते हैं बैक में वो है ये, यस जी हाँ दोस्तों, ये गाड़ी का लोगो। थोड़ी सी गाड़ी की अब राइट में हम आते हैं, यहाँ हमको देखने को मिल जाता है E250। दिस इज़ मर्सिडीज E250 CDI मॉडल जो 2015 मॉडल है और सिर्फ 23,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। एक बार दोबारा देख लीजिए आप इस गाड़ी की बैक प्रोफाइल, बिल्कुल स्क्रैचलेस कार है, एकदम मिंट कंडीशन ये गाड़ी है, ब्रांड न्यू गाड़ी, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट टू शोरूम कार ये दिख रही है मेरे को देखने में। और सबसे एक और एक चीज़ आपको मैं दिखा दूँ जो मैं अभी ये दिखानी भूल गया आपको, एक और चीज़ मैं बहुत अच्छी दिखाया था गाड़ी की, यह आप देख सकते हैं गाड़ी के मेरे को नीचे डूल एग्जॉस्ट दे रखे हैं इस गाड़ी में, एक यहाँ दे रखा है और एक मेरे को यहाँ दे रखा है, और बीच में बहुत ही अच्छी सी क्रोम की लाइनिंग जा रही है जो बहुत ही इसको स्पोर्टी लुक देती है गाड़ी को यार देखने में, बहुत ही अल्टीमेट और स्पोर्टी लुक दे रही है गाड़ी इस समय बैक से भी देखो। तो चलिए दोस्तों जरा मैं आपको इस गाड़ी का बूट स्पेस भी दिखाता हूँ कि इसके बूट कितना बड़ा इस गाड़ी का बूट है। ये मेरे पास गाड़ी की चाबी है, जस्ट एक सिंगल क्लिक करना है इलेक्ट्रॉनिक इसका बूट ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना वाइड इसका बूट है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर बूट में स्पेस हमको देखने को मिल जाती है। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे को देखने को मिलता है एक प्रॉपर ब्रांड न्यू एलॉय व्हील विथ टायर। जैसे मैंने आपको गाड़ी का बाहर का पूरा डिटेल रिव्यू दिया है, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, देखते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या लग्जरी फीचर्स है देखने में। चलिए मेरे साथ यार गाड़ी के अंदर भी एक बार चलते हैं। चलिए जैसे कि आप देख सकते हैं मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ, अब दिखाते हैं मैं आपको गाड़ी के अंदर डिटेल इस गाड़ी का रिव्यू, कितने लग्जरी कितने अच्छे अच्छे फीचर्स गाड़ी के अंदर मेरे को देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे को स्टीयरिंग यार देखने को मिल रहा है, बीच में यहाँ पे कंपनी का मेरे को ब्रांड का लोगो दे रखा है, और देखिए स्टीयरिंग की क्या स्पोर्टी ग्रिप यहाँ पे दे रखी है, कितना स्पोर्टी लग रहा है यार ये स्टीयरिंग पकड़ने में भी। यहीं पे स्टीयरिंग में अगर मैं लेफ्ट में देखूँ मुझे सारे यहाँ पे स्टीयरिंग के कंट्रोल मिल जाते हैं, राइट की अगर बात करें तो यहाँ पे मुझे फ़ोन उठाने का फ़ोन काटने का अपने वॉइस कमांड का सारा ऑप्शन मिल जाता है। इस स्टीयरिंग पे देखिए दोस्तों यहाँ मेरे को जो है शिफ्ट पैडल्स भी दे रखे हैं, इससे मैं प्लस करते हैं तो मेरे अपने गियर गाड़ी के बढ़ जाएंगे, माइनस कर दूंगा तो गियर यहाँ पे घट जाएंगे। वैसे ही आप देख सकते हैं लेफ्ट के अंदर यहाँ मेरे को पार्किंग इंडिकेटर्स दे रखे हैं, इस गाड़ी में लेफ्ट में ही मेरे को पार्किंग इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं और लेफ्ट में ही मेरे को वाइपर कंट्रोल्स भी इस गाड़ी के देखने को मिल जाते हैं। यहाँ नीचे की तरफ मेरे को यहाँ पे देखने को मिल जाता है स्पीड लिमिट कंट्रोल और मेरे सारे क्रूज कंट्रोल मेरे को यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए यार कितनी बेहतरीन कितना अल्टीमेट यार लुक आ रहा है इसका स्टीयरिंग का यार, और सामने डिजिटल मीटर मेरे को इसका दिख रहा है, बहुत ही प्यारा यार कहते हैं ना लुक आ रहा है गाड़ी का यार देख सकते हैं। जैसे आप लोग सामने अब मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जैसे गाड़ी का मेरा ऑडोमीटर है, सेंटर में यार देख सकते हैं गाड़ी का बहुत ही प्यारी उसकी स्क्रीन दे रखी है, और आप देख सकते हैं ये गाड़ी चली है सिर्फ 23,416 किलोमीटर ओनली, बहुत ही कम चली हुई कार है 2015 के हिसाब से ये। चलिए थोड़ा इस गाड़ी का सेंटर कंसोल की बात भी कर लेते हैं, सेंटर कंसोल कितना बेहतरीन इस गाड़ी का डिज़ाइन हुआ हुआ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे को यहाँ पे मेरी डिस्प्ले स्क्रीन देखने को मिल रही है, नीचे मेरे दो सुंदर एसी के वेंट्स हैं जो प्रॉपर क्रोम फिनिश से इसकी ग्रिलिंग कर रखी है, बहुत ही सुंदर देखने को लग रही है। बीच में अगेन यार मर्सिडीज़ के अंदर जो बीच में ये डायल देखने को मिलता है आपको, बहुत ही बेहतरीन बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्लासिक लुक देता है गाड़ी को। नीचे की तरफ अगर हम आते हैं स्टीरियो कंट्रोल्स मेरे को दे रखे हैं, बहुत सारे यहाँ पे मेरे को बटन दे रखे हैं, इसके अंदर मेरे को रेडियो कंट्रोल मेरा डिस्क कंट्रोल, इस गाड़ी में आपको नेविगेशन मिल जाएगा, टेलीफोन काटने का टेलीफोन उठाने का सारे कंट्रोल मेरे को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमको देखने को पार्किंग इंडिकेटर्स मिल जाते हैं देखने को, या मुझे गाड़ी का इको मोड गाड़ी का मिल जाता है देखने को, गाड़ी आप इको मोड पे चलाएं चलाना या कंफर्ट मोड पे चलाएं चलाना, सारा कुछ यहाँ से आप अपना सारा कुछ यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे मेरे को दे रखा है एक बैक विंडो ब्लाइंड मेरे को कंट्रोल दे रखा है इसके अंदर, और नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ मेरे को सारे एसी के कंट्रोल्स दे रखे हैं जो बहुत ही यार बेहतरीन है, बहुत ही प्रीमियम टच यहाँ पे देखो आप एसी कंट्रोल्स दे रखे हैं। ये एसी इसके अंदर मेरे को डोल क्लाइमेट कंट्रोल एसी के गाड़ी का मेरे को देखने को मिल जाता है, राइट साइड ड्राइवर साइड चाहे तो अपना यहाँ पे कंट्रोल्स अपने हिसाब से सेट कर सकता है, लेकिन अगर लेफ्ट साइड वाला चाहे तो अपने यहाँ से कंट्रोल सेट कर सकता है।
बीच में मेरे को यहाँ पे फ़ैन की स्पीड बढ़ाने का और फ़ैन की स्पीड कम करने का कंट्रोल दे रखा है। यहाँ सारे मुझे ऊपर एसी के सारे कंट्रोल्स साथ में दे रखे हैं। अगर आप थोड़ा पीछे आते हैं तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाती है थोड़ी सी स्टोरेज है गाड़ी के अंदर। यहाँ मेरे को दो बीच में कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं। आगे मुझे एक एस्ट्रे देखने को मिल जाती है। सामने मेरे को यहाँ पे लाइटर कंपनी की तरफ से दे रखा है। जैसे देखिए स्लाइड करेंगे ये अपने आप ही ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसके पीछे मेरे को यहाँ पे दे रखा है एक आई ड्राइव सिस्टम। आईड्रेस सिस्टम से आप सारा अपना सामने डिस्प्ले कंट्रोल आप कर सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। बहुत ही बेहतरीन फीचर मुझे लगता है गाड़ी का, ये बहुत अच्छा फीचर है। उसी के पीछे अगर आप देखते हैं तो यहाँ मेरे को दे रखा है गाड़ी की मेरे को आर्मरेस्ट का स्टोरेज। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मेरे को यहाँ पर स्टोरेज दे रखी है। अंदर मेरे को इसमें देखने को एक USB पोर्ट भी मिल जाता है देखने को। बहुत ही सुंदर आप गाड़ी की इसमें आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर इस गाड़ी का बीच का पैनल दे रखा है तो बहुत ही अल्टीमेट लगता है। थोड़ा राइट की तरफ चलते हैं तो बहुत ही यार सुंदर आप देख सकते हैं मेरे को बहुत ही अच्छी वुडन फिनिश ये ट्रिम लाइन दे रखी है जो प्रॉपर पूरे डैशबोर्ड पे आ रही है और प्लस मेरे सेंटर में भी आ रही है जो बहुत ही यार एलिगेंट लुक यार इस गाड़ी को दे रही है। यहीं पर मेरे को ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है जो बहुत ही अच्छा खासा इसके अंदर मेरे को स्पेस दिखने को मिल जाता है। बहुत ही यार बेहतरीन लुक लग रही है देखने की फ्रंट आप गाड़ी की, बहुत ही सुंदर लुक आ रही है गाड़ी की देखने में। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको गाड़ी का आगे का सारा बता दिया, अब चलते हैं गाड़ी की बैक सीट पर कि बैक सीट का इसका कम्फर्ट लेवल कैसा देती है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं कि मैं इस गाड़ी के पीछे आके बैठ गया हूँ, आप देख सकते हैं यार कितना अच्छा मेरे को इस गाड़ी का लेग रूम मिल जाता है। ये मर्सिडीज की खासियत है, मर्सिडीज कार्स के अंदर लेग रूम बहुत अच्छा मिल जाता है। सेम आप देख सकते हैं मेरे हेड रूम भी मुझे इस गाड़ी के अंदर बहुत अच्छा दे रखा है। बात करते हैं इस गाड़ी के बैक डोर पैनल के बारे में, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल यहाँ मेरे को इस गाड़ी का बैक डोर पैनल दे रखा है। बहुत अच्छी मेरे को यहाँ पे एक वुडन ट्रिम लाइन मेरे को पीछे देखने को मिल जाती है। एक अच्छा था मेरे को यहाँ पे मेरा अनलॉक लीवर मुझे गाड़ी का मिल जाता है पीछे देखने का। अगेन मेरे को यहाँ पे ऑटोमेटिक विंडोज़ का कंट्रोल दे रखा है तो बहुत ही यार अच्छा फीचर है इस गाड़ी के अंदर। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे गाड़ी के यार बैक ब्लाइंड दे रखे हैं जो मैनुअली कंट्रोल्ड हैं और इसी तरीके से आप इसको ऊपर कर सकते हैं। बहुत ही यार अल्टीमेट बहुत अच्छा फीचर है गाड़ी के अंदर। साथ ही अगर हम बीच के में बात करें, यहाँ मेरे को दो एसी के वेंट्स दे रखे हैं। अगेन वेंट्स के अंदर यहाँ मेरे को नीचे की तरफ दे रखा है इसका क्लाइमेट कंट्रोल दे रखा है। क्लाइमेट अपने पीछे वाला बंदा अपने हिसाब से क्लाइमेट इस गाड़ी का सेट कर सकता है। और यहीं इस गाड़ी का मेरे को फैन स्पीड कंट्रोल भी दे रखा है। नीचे आते हैं तो नीचे मेरे को यहाँ पे देखने को मिल जाता है एक चार्जिंग स्लॉट आपको देखने को मिल जाता है, 12 वोल्ट चार्जिंग स्लॉट मुझे देखने को मिलता है और साथ ही कॉइन स्टोरेज मेरे को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बीच की बात करते हैं तो मेरे को यहाँ पे एक आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है जो बहुत ही अच्छा बहुत ही सॉलिड बिल्ट कंपनी का बनाया हुआ है। यहाँ पे मेरे को अगर आर्मरेस्ट खोलते हैं तो थोड़ी सी यहाँ पे मेरे को स्टोरेज देखने को मिल जाती है। साथ ही मेरे को यहाँ पे कप होल्डर दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्लाइड होकर बाहर आता है और अगेन फोल्ड होकर ऐसे अंदर चला गया। आप देख सकते हैं कितना रिलैक्स होकर आप पीछे बैठ सकते हैं, बिल्कुल आप बैठिए आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर, कितना एरी फील होता है इस गाड़ी के अंदर यार, बहुत अच्छा फील इस गाड़ी के अंदर मेरे को हो रहा है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको इस गाड़ी के सारे फीचर्स बताए, एक बहुत ही अल्टीमेट बहुत ज़बरदस्त फीचर इस गाड़ी के मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है इस गाड़ी की रूफ़ यार। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को यहाँ पे डबल सनरूफ दे रखे है इस गाड़ी की। आप देख सकते हैं यहाँ मुझे बटन दे रखा है, जैसे ही मैं जस्ट एक क्लिक करता हूँ आप देखिए दोनों तरफ से यार रूफ स्लाइड होते हुए मेरे को पूरा ग्लास दिख रहा है। बहुत ही एरी बहुत ही अच्छी फील मेरे को यहाँ पे गाड़ी में आ रही है। साथ ही अगर मैं इसको दोबारा से टच करता हूँ, वन टच करता हूँ, यहाँ मेरी प्रॉपर सनरूफ ओपन हो जाती है। देख रहे हैं कितनी एरी फील आती है गाड़ी की, कितनी अच्छी मेरे को यहाँ पे गाड़ी की सनरूफ देखने को मिलती है। सर्दियों के लिए तो यार बहुत ही मज़ेदार है इसके ऐसे गाड़ी चलाने में। जैसे मैं वन टच यहाँ पे यार बंद करता हूँ, अगेन मेरी रूफ़ यहाँ पे स्लाइड हो रख के बंद हो जाती है, तो बहुत यार सुंदर लगता है यार। देख सकते हैं एक बार दोबारा से आप देख लीजिए कितनी सुंदर यार इसके रूफ लग रही है गाड़ी की देखने में। आगे भी इसके सनरूफ मिलती है मेरे को, पीछे भी मिलती है देखने में। बहुत ही अल्टीमेट इस गाड़ी का यार ये फीचर है गाड़ी का। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको गाड़ी के सारे फीचर्स बताए हैं, एक बार इस गाड़ी की ड्राइव लेना तो यार बनता है। चलिए एक बार इस गाड़ी की ड्राइव लेके आते हैं कि गाड़ी ड्राइव लेने में कैसी है, क्या इस गाड़ी का परफॉर्मेंस है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे कि अब हम ड्राइव पे निकल चुके हैं यार, एकदम साउंडलेस कार है ये। डीजल कार होने के बावजूद भी बिल्कुल इस गाड़ी में साउंड नहीं है, एकदम वेल वैक्यूम्ड इसका जो है कैबिन है इस गाड़ी का, बहुत अच्छा इस गाड़ी का कैबिन का मेरे को दे रखा है कि बिल्कुल भी ये नॉइज़ बाहर की मेरे को अंदर गाड़ी के आ ही नहीं रही है। चलाने में यार अगेन मर्सिडीज़ कार है यार, मर्सिडीज़ बहुत ही सॉफ्ट ये कार है चलाने में, बहुत ही सुंदर ये गाड़ी लग रही है यार इस समय भी, बहुत अल्टीमेट यार। देख सकते हैं यार आप बाहर का व्यू भी देख सकते हैं आप गाड़ी का कितना सुंदर लग रहा है देखने में।
अगेन मैं आपको कहना चाहूँगा यार, 2015 मॉडल ये कार है। सबसे बड़ी चीज़ इस गाड़ी की है कि ये गाड़ी चली है सिर्फ 23,000 किलोमीटर, ज़्यादा गाड़ी की चली भी नहीं हुई गाड़ी ज़्यादा, ये बहुत वेल मेंटेन्ड है, दिल्ली रजिस्टर्ड ये कार है और फर्स्ट ओनर ये गाड़ी हमारे को मिल जाती है। बहुत लाइट वेट मेरे को इस गाड़ी का यार स्टेयरिंग दे रखा है, बहुत ही स्पोर्टी फील आ रही है यार गाड़ी में बैठ के। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यार, जैसे कि यार अब ये बम्प आया है, मुझे बम्प तक इस गाड़ी के अंदर महसूस नहीं हुआ कि कोई गाड़ी में यार बम्प आया कुछ आया है। इतना अच्छा इसका टाइट सस्पेंशन है यार, बहुत सॉलिड, बिल्कुल वेल मेंटेन्ड, एकदम नई गाड़ी की तरह इस गाड़ी को मेंटेन रखा हुआ कस्टमर ने, बहुत अच्छी गाड़ी है। तो एक बार आइएगा ज़रूर, आपको डिस्क्रिप्शन पे सारे लिंक देखने को मिल जाएंगे कि गाड़ी कहाँ पर अवेलेबल है, पूरी गाड़ी की डिटेल, आपको चाहे डील करनी हो चाहे नहीं करनी हो, एक बार आइएगा ज़रूर और एक बार इस गाड़ी के ऊपर नज़र ज़रूर मारिएगा कि गाड़ी कितनी बेहतरीन है यार, बहुत अल्टीमेट गाड़ी है। दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था आपको कि ये गाड़ी है प्री ओन कार। जी हाँ, ये प्री ओन कार है, दिस इज़ 2015 मर्सिडीज ई क्लास E250 CDI मॉडल और सिर्फ चली है 23,000 किलोमीटर। इस गाड़ी का प्राइस, आस्किंग प्राइस बहुत ही कम है, सिर्फ और सिर्फ 25 लाख रुपए इस गाड़ी का आस्किंग प्राइस है। जल्दी से इस नीचे दिए हुए आप नंबर पे आप आ जाइए, आपको नीचे इस गाड़ी की पूरी डिटेल देखने को मिल रही है, साथ में पूरा गाड़ी का कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ इस गाड़ी के देखने को मिल रही है। जल्दी से आइए और अपने इस डील को ग्रैब कीजिए, सिर्फ और सिर्फ 25 लाख के अंदर आपको गाड़ी मिल रही है। दिस इज़ दिल्ली मॉडल कार और फर्स्ट ओनर ये कार है, सिर्फ और सिर्फ चली है 23,000 किलोमीटर। होप करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। लाइक के साथ मेरे चैनल है नीचे मयंक पंजाबी, मयंक पंजाबी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितना आप ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके भाई को मोटिवेशन मिलेगी और जितना लाइक करेंगे वीडियो को उतना ही अपना इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा आप लोगों के लिए और नए नए वीडियोज और बेहतरीन कंटेंट अपन लोग बनाते रहेंगे। चलिए अब मिलता हूँ आपको कल सुबह फिर 7:30 बजे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।